महिंद्रा एंड महिंद्रा के तरफ से 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी जल्द इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो सकता है। हालांकि 3 को अभी टीज किया गया है। मैं आपको 5 ऐसे एसयूवी के बारे में बताने वाला हूं जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से इंडिया के मार्केट में काफ़ी जल्द लॉन्च हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। लास्ट कुछ दिनों में महिंद्रा अपने 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल को शोकेस कर चुका है इंडिया के मार्केट में लॉन्च करने के लिए। एक था महिंद्रा की EKUV100 और एक है महिंद्रा की EXUV300। जी हाँ, XUV300 की इलेक्ट्रिक वेरिएंट और KUV100 की इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया के मार्केट में लॉन्च करने के लिए महिंद्रा कुछ ही दिनों से शोकेस कर चुका है। और एक नया 3 SUV को इंडिया के मार्केट में लॉन्च करेगा महिंद्रा, जिसके टीजर अभी भी आ चुका है। बात करें महिंद्रा EKUV100 के बारे में, सुनने को मिल रहा है ये गाड़ी इंडिया के मार्केट में एंड ऑफ 2022 को लॉन्च किया जा सकता है। इसके एक्सपेक्टेड प्राइस शुरू हो सकता है 8 से 9 लाख के बीच में। और ये गाड़ी अप्रोक्स 15 kWh की बैटरी पैक के साथ आएगा और 150 किलोमीटर का रेंज दे देगा। ये एक मिनी एसयूवी है, हालांकि उतना बेहतरीन रेंज नहीं है, उतना बेहतरीन बैटरी पैक नहीं है, लेकिन एक बजट इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से ये काफ़ी बेहतरीन हो सकता है महिंद्रा के तरफ से। सेकंड में महिंद्रा की XUV300 की इलेक्ट्रिक वेरियंट जो कि लॉन्च हो सकता है मिड ऑफ 2023, यानी कि अगले साल मिड तक ये गाड़ी को एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, जिसकी प्राइस रेंज शुरू हो सकता है 14 से 15 लाख के अंदर से। इस गाड़ी में आपको 30 kWh की बैटरी पैक मिल सकता है, जिसके साथ साथ आपको 300 किलोमीटर का रेंज आराम से मिल जाएगा। ये सीधे सीधे कम्पीट करेगा टाटा नेक्सॉन की इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। ये 2 गाड़ियां तो थी, उसके साथ साथ महिंद्रा अभी अभी 3 गाड़ियों के बारे में टीज कर चुका है, जो कि महिंद्रा की बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन के नाम से 3 गाड़ियां, जिन गाड़ियों को महिंद्रा जुलाई 2022 में रिवील करने वाला है। मेरे हिसाब से इसमें एक गाड़ी हो सकता है XUV700 की इलेक्ट्रिक मॉडल हो सकता है, जो कि एक बढ़िया बैटरी पैक के साथ आएगा। उसके साथ साथ XUV900 की एक कूपे SUV होने वाला है, या आप बोल सकते हैं कूपे मॉडल होने वाला है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लॉन्च होगा, जो कि कुछ दिनों पहले ऑटो एक्सपो पे शोकेस किया जा चुका है। ये XUV900 के नाम से शोकेस किया गया था शायद, और इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल को इंडिया के मार्केट में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। XUV700 के इलेक्ट्रिक व्हीकल, XUV900 के इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके साथ साथ हो सकता है बोलेरो या स्कॉर्पियो, जो नई जनरेशन स्कॉर्पियो आने वाला है, उसका इलेक्ट्रिक मॉडल इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो सकता है। ये सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये बेस्ड होने वाले हैं महिंद्रा की एक नए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन जो कि महिंद्रा उसको बुला रहा है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गाड़ियां बेस्ड होने वाला है। इसमें आपको बड़ी बैटरी पैक के साथ साथ एक बढ़िया रेंज भी मिल जाएगा, जो कि सीधे सीधे कंपीट करेगा टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ। बात करी जाए ये गाड़ियाँ जो मैं आपको बताया, यानी कि XUV700 की इलेक्ट्रिक, XUV900 की इलेक्ट्रिक, या बलेनो या स्कॉर्पियो की जो इलेक्ट्रिक मॉडल इंडिया मार्केट में जो 3 गाड़ियाँ हो सकता है, वो गाड़ियाँ लॉन्च होगा 2025-26 तक। महिंद्रा के ये 2 गाड़ियाँ EKUV100, EXUV300 लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद ही 2025 या 2026 तक ये 3 गाड़ी को लॉन्च किया जा सकता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम अभी बाकी है। तो ये था महिंद्रा की अपकमिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में, जो कि 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इनके मार्केट पे लॉन्च हो सकता है। तो ये था पूरा डिटेल्स। आपको कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे से नए नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जगह से नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।
हूँ।